गाइज गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मिस उपाध्याय व्लॉग्स पर। तो गाइज अभी जो है शाम हुई है और वैष्णव गई है घूमने के लिए। फिलहाल तो नीचे से अभी काम करके आई हूँ, खाना थोड़ा लेट बनेगा तो अभी ऊपर आई हूँ बाकी काम करने के बाद। और अभी आपको ना अपने रूम का नजारा दिखाती हूँ। जो मैं व्लॉग बनते हैं वो 3 बजे तक बनते हैं, उसके बाद जो इवनिंग रूटीन है जो वो अपना वो दिखा रही हूँ मैं आपको। एक बार अपने रूम की हालत दिखा देती हूँ। तो मेरे रूम की हालत ना कुछ इस प्रकार है कि देखिए, वैष्णवी जब रहती है ना रूम में तो ऐसी हाल करके रखती है। तो आपको तो फिलहाल कैमरे में थोड़ा इतना समझ भी नहीं आ रहा होगा जितना मुझे जो है सामने से देख के आ रहा है। ये देखिए पूरे रूम में उसने क्या हाल किया हुआ है पूरे रूम में। ये भी देखिए और साइड भी देख लीजिए आप, सब कुछ बखेर रखा है उसने। रात के जो है 9 बज रहे हैं। फिलहाल तो सारा काम है तो फिनिश हो चुका है, खाना वगैरह सब सबको खिला भी दिया, खा भी लिया खुद। और गुड़िया के पापा भी आ गए थे अपनी जॉब से। देखो किधर है मेरा हाथ, अरे ए अब ठीक है, ये मेरा शायद हाथ ही गलत खड़ रहा दिखे। ये सही था। तो गाइज अभी हम पहले गए थे मार्केट, मार्केट में से जो है सामान लेके आए हैं माता रानी के दरबार का। अभी तक हमने दरबार भी नहीं लगाया क्योंकि क्या बताऊंगे क्योंकि क्या हाँ वो तो मैंने हटा दिया था। और चलो गाइज मैं आपको पहले सामान दिखा देती हूँ क्या क्या लाया है ना। सबसे पहले ना गाइज तो हाथ क्लीन किए हैं क्योंकि खाना खाया था ना। तो ये देखे सारा सामान, ये फूल दिए और देखते हैं एक ये जो है माचिस का पूरा लेके आया क्योंकि ना माचिस खत्म होती रहती है। और माता रानी का सिंगार, और नारियल चुनरी, और नारियल पानी वाला नारियल है ऐसे। और ये नीचे बिछाने के लिए आसन, और ये वैष्णव की जीप में रखी रहेगी। और ये धूपबत्ती, और ये क्या कहते हैं सामग्री, और ये जोत लगाने की जो कपूर, सामक के चावल, और ये जो है दुबगढ़, ये पता नहीं क्या बोलते हैं तमना, जिसमें जो है ये गाइस। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो गाइस अभी सुबह के जो है 6 बजने वाले हैं और मैं जो है 5 बजे से उठ रही हूँ। और उठते सबसे पहले तो वॉशिंग मशीन लगाई अपनी और कपड़े धोने के लिए, वो भी क्योंकि कपड़े धोने थे ना मुझे 2-3 दिन के ना इकट्ठे हो रहे थे कपड़े, क्योंकि मैं ना जो कपड़े धोती हूँ 2-3 दिन के इकट्ठे करके जब धोती हूँ। और साफ़ सफाई तो सारी हो चुकी है, सिर्फ जो पोछा लगाना रह रहा है पोछा बाल्टी भी रख दी। बस मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए क्योंकि फिर जो है व्लॉग नहीं बन पाता मेरा इस वजह से। तो अभी जो है कल तो आपने देख लिया होगा सारा सामान लेके आ गई थी मैं मंदिर का। और बस कल तो स्थापना करेंगे क्योंकि कल सूर्य ग्रहण भी था और कुछ मैं रात लेट हो गई थी इसलिए मना कर। वैसे कल के दिन ही स्थापना होती है मंदिर की, तो गाइस बस कल तो स्थापना की नहीं है मंदिर की। तो आज जो है दरबार लगाऊंगी, माता रानी का जोत भी जलाऊंगी। सबसे पहले तो बस मैं इस घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ क्योंकि साफ़ सफाई होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मंदिर जब तक माता रानी हमारे घर पर आएगी। तो बस सबसे पहले जो पोछा लगा लेती हूँ, उसके चुभने वाले कपड़े पहन रखे थे ना तो वे निकाल के, गर्मी भी हो रही थी इसलिए मैंने इन्हें जो है इनके चड्डी में ही सुलाया था। अतिदेव हो रहा है तो अभी सो रहे हैं। आज जो है मैं हाथों से पोछे लगाऊंगी, वाइपर से पोछे लगाऊंगी क्योंकि आज थोड़ा जल्दी है ना इस कारण मैं सोची जल्दी से दरबार लगा दूंगी अपने।
हैज तो 6:30 बज गए हैं और 6:30 बजे तक सारा काम है जो फिनिश हो चुका है, सिर्फ अभी मेरा नहाना रह गया है। क्योंकि जो है जब से उठी हूँ ना 5 बजे से, तब से ना मेरी आँखें ना ऐसे हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल नींद, मतलब आँख भी नहीं खुल रही है। और इसी वजह से तो मैं तो चाय बना के लेके आ गई हूँ अपने लिए, चाय पियूँगी, क्योंकि क्या पता उससे जो है आँखें थोड़ी सी खुल जाए। क्योंकि 5 बजे उठी थी ना तो बार बार आँखें मिच रही थी, और कुछ पता नहीं जुकाम हो रहा है क्या हो रहा है, पूरी आँखों की ये ना बिल्कुल स्वेलिंग आ रही है पूरी आईज पे, बहुत बुरा हाल हो रहा है। बस पहले तो चाय पीती हूँ, चाय पीने के बाद फिर नहाने जाऊंगी, नहाने के बाद जो है दरबार लगाऊंगी मैया रानी का। इतने ये भी उठ जाएंगे, इन्हें थोड़ा सा अभी मार्केट में थोड़ा सामान और लेके आना है, फल वगैरह लेके आने, वो नहीं लेके आए थे, फूल भी हम रात लेके आ गए थे, बस फल वगैरह रह गए थे, वो भेजूंगी इन्हें लेने के लिए, जल्दी लाएंगे जाके। अभी तो मार्केट वगैरह खुल गई होगी, क्यों 6:30 बज रहे हैं। चलो भाई मैं चाय पी लेती हूँ और मॉर्निंग का टाइम है, आप भी आइए चाय पी लीजिए। तो हमारी वैष्णवी सो के उठ चुकी है, पर इसकी ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जुकाम नज़ला ज़्यादा ही हो चुका है। नहीं बेटा कैसी हो रही है, आज तो नवरात्र, जय माता दी, जय माता दी, जय बोलो, जय जय बोलो। अभी नहा धो ली हूँ और आ जाओ, और बस तैयार होने लगी थी तभी मेरी गुड्डो रानी उठ चुकी है और गुड़िया के पापा भी उठ चुके हैं, है ना। ये बच्चे कर, हाँ जी बाबू, हाँ तो भाई ये भी उठ चुकी है, ये तैयार होकर आ चुका है स्कूल जाने के लिए, और आज जो है पहला नवरात्र है, तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। बेटा तो गुड़िया की तबीयत खराब हो गई पता नहीं क्यों भाई। हाँ भैया, भैया आ गया, हाँ देखो भैया की चोट लग गई थी बेटा, तो वैसे ना पैर आ गया ना साइकिल में, तो उसका चोट लग गई थी, अब तो ठीक भी है पहले से, बट तो लोग जरा दूरा। हाँ तो आज मेरे पति को ना खुद से ही प्रेस करनी पड़ रही है, और यहाँ पे जो माता रानी के भजन चल रहे हैं, तो गोपाल जी को भी मैंने नहला दिया है, बस अभी जो है दरबार लगाना बाकी रह गया, दरबार लगा लेती हूँ पहले माता रानी का, और दरबार में वही लगाऊंगी जहाँ पे हर बार लगाती हूँ। दरबार तो हमने लगा दिया है, और अभी फिलहाल गुड़िया के पापा की वेट है, ये देखिए, तो जय गुड़िया के पापा की वेट कर रहे हैं, क्योंकि वे कुछ सामान रह गया था ना तो वे लेने के लिए गए हैं, जब पान का पत्ता हो गया और 5 फल हो गए, ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें थी ना कल रात तो मिले थे, तिलों का तेल मेन। तो भाई मैं ना हर साल ना माता रानी की जोत जलाती हूँ, तो इस साल भी जो है माता रानी की जोत जला रही हूँ मैं। माता रानी जो है हमारे घर में फिर से आई है, विराजमान हुई है हमारे घर पे आके। तो गाइस इतनी देर बाद वेट करने के आखिरकार ये आ गए सामान लेकर, पत्ते तोड़ के लाए क्या आप? अच्छा धोंगी ना पहले, गंगा जल छिड़कूंगी पहले, ये देखो कितने गंदे हो रहे हैं। खंडित से लाया तो ज्यादातर खंडित लाए, अच्छा सबसे ऊपर से लाए होगा, देखो अब जय कर रही, सैंडल पहन रखे सैंडल, कोई नहीं नहीं इसे सिखाओगे तब तो सिखेगी वो, इसके सैंडल दिखलवाओ। तो भाई देखो इतना परेशान इतना रखा ना बहुत ज्यादा है, ना पूजा कर रही ना कुछ खा रही ना कुछ करने दे रही बिल्कुल भी, घंटी खाओगी ना मेरे आने को क्या, आप बजाओ है कुछ से कुछ, कुछ से कुछ टन कर लो आप मम्मा जी करी। हाँ जय सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की अमरूद, सच्चे दरबार का अमरूद खा रही, सच्चे दरबार का अमरूद खा रही भाई ये तो। जय माँ, देखो भाई फल भी लगा चुका था, फल लगाया था, जय जय माँ, मांग जरूर भरा गुलाब मांग भरती कभी भी, कभी कभी ना डेली भरा, ज्यादा लड़ाई रहा था नहीं आपस में। लगा दो, लो मैं जिनका आप लगा
अभी पूजा स्टार्ट होगी, पहले मम्मी ने जोत लगाएगी। हाँ आप खा लो, मैया रानी के खाना रखो, ये आपकी चीज है, आप खाओ। मैया रानी के लिए मैं व्यवसाय लेकर आया हूँ, आप खा लो इसको। जय भी जला दो, ये भैरव बाबा का और ये आरती करने का। तो देखिए कितने और आए सब चीजें, यहाँ बैठो, सिट डाउन, सिट डाउन, सब चीजें सिट डाउन। ये मैया रानी की जोत का हो गया, ये भैरव बाबा का हो गया और ये हो गया आरती का दिया। बैठो बेटा, सिट डाउन, मम्मा जे जे करेगी, जय माई करेगी। मम्मा अभी फूल उठा लियो, फूल मैंने जे करेगी। हाँ जोड़ के बैठो, हाँ जोड़ के बैठो, जय हो। फूल भी चढ़ा दो आप भाइयों को, बैठो सारे पूजा भी करो, हम भी कर लो थोड़ी सी। हाँ जय भाई, देखो ये दे दी, जय चढ़ा दिया मेरे बेटा ने, चढ़ा दिया ये टैपिंग। राधे राधे, जय माता दी। लो जी, आप पूजा हमारी हो चुकी है और ये अपना झूल दिया मजे से, तो मम्मी भी जा ली हूँ दुकान बजाना खाना ले गए, तो इसलिए जय माता दी। आप सभी दर्शन कीजिए मैया रानी के, ये दरबार है मैया रानी का, पूजा में सजाया है और ये अपने मस्ती से, तो मैं भी रेडी हूँ। और टाइम क्या हुआ है मोटो? हाँ तो जल्दी नहीं उठ गया, 9:15 बज गए। से उठ रही है सुबह 5 बजे से पहले की। मैं देख किसी पे टाइम अपना काम जल्दी कर लूं। आप लड़के हो ना, मैं तो कपड़े पर सब धोने पड़े। ओ हाँ कपड़े धो जा, ठीक है मस्ती से अपनी। नीम ने तो परेशान रखा था, कभी घंटे खाई, कभी फूल उठाई, कभी मैया रानी को उठा दी। नींद नहीं आ गई, नींद नहीं आ रही, चलो झुंझुके दे दो के पापा के बोलो, मम्मा के चाचा के चाचा के। देखिए फिर अपना पूजा मत्था टेक ले, मैंने टेक कर लिया अभी। जय सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की जय। जय बोल ले भाई, जय हो जय हो जय हो जय हो। चलो भाई जय जय, झुझु करेगा वैसे तो थोड़ा काम। सो ना, आपने जय जय तो करी नहीं। सबकी लंबी उम्र करो, सब पूरी दुनिया खुश रहो, और क्या चाहिए, हमारी दुनिया खुश रहेगी सर। सो ना नहीं आगे तो खाना आप भी ले लो, धूप का ये नाश्ता कर रहे थे अभी, कहीं ना नाश्ता होते हैं जरा का। अच्छा साफ कर दो है ना पापा, मैंने कर दिया हैंकी ने, साफ कर दो है ना पापा। चाय वगैरह भी पी ली है, बुढ़ा के पापा ने भी नाश्ता कर लिया और फिलहाल जा रहे हैं अब ये क्लिनिक, और मैं भी चलती हूँ ना छोड़ने के लिए, बाय बाय करने के लिए, टाटा बाय बाय। ब्लैक हो रहे हो, ब्लैक चश्मा, ब्लैक शर्ट,
दौरानी बड़ी शानी कैंपर आ चुका है हमारा पानी का।